In a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. Too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer again with you. गॉडफादर आज सिनेमा के मास्टरपीसेस में से एक के रूप में एडमायर्ड और 9 ऑस्कर अर्जित करने वाली एक ट्रायलॉजी है। भले ही फिल्म मारियो पुज्जो की बेस्ट सेलर नॉवल पर आधारित हुई है, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे ओवर ड्रामेटाइज्ड स्टेट कर दिया था। ऊपर से फिल्म उस वक्त के बी ग्रेड प्लेयर्स जैसे अल पचीनो, जेम्स कान और डायना कीटन के साथ बनी थी। यहाँ तक कि डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने अपनी बहन तालिया शेर को भी इम्पोर्टेंट रोल में कास्ट कर लिया था। इन सब के बावजूद द गॉडफादर ने स्क्रीन पर जादू कर दिया और 24th मार्च 1972 को प्रीमियर के टाइम से ही इसे एक क्लासिक के रूप में अक्लेम किया गया और इस फिल्म को 3 ऑस्कर से सम्मानित किया गया, जिनमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी शामिल है। इससे कहीं ज्यादा इसने सिनेमा को भी बदल दिया। फिल्म में बोले गए पहले शब्द आई बिलीव इन अमेरिका ने उस कहानी को एस्टैब्लिश किया जो आशावादी युवाओं के डीमोरलाइजेशन के साथ साथ अमेरिकी सपने के पागलपन, ग्लोरी और फेलियर को दर्शाती है। द गॉडफादर ने उस सपने पर एक नज़र डाली जब अमेरिका वियतनाम और वाटरगेट दोनों में उलझा हुआ था। जिस तरह से द गॉडफादर ने वायलेंस को चित्रित किया, वह भी गेम चेंजर था। बेड पे एक घोड़े का सिर, प्रेग्नेंट लेडी की कार को उड़ाना और गन्स का एंडलेस यूज ब्रूटल वायलेंस थी, फिर भी कहानी कहने का एक महत्वपूर्ण पार्ट साबित हुई। अपने 2012 के एनालिसिस द गॉडफादर इफेक्ट में राइटर टॉम सैंटो पियत्रो ने दावा किया, फिल्म ने हॉलीवुड को बदल दिया क्योंकि इसने इटालियंस को फिल्म पर दिखाने के तरीके को बदल दिया और स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हुए इसने इटालियनीज अमेरिकन कल्चर की भी हेल्प की। गॉडफादर ने 1970 के दशक के स्टार सिस्टम को भी बदल दिया। डॉन वीटो कॉर्लियोनी के रूप में मार्लन ब्रांडो ने बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीता, जिसे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि वो हॉलीवुड में अमेरिकन इंडियंस के साथ ट्रीटमेंट से नाखुश थे। And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. परिवर्तन की लहर 2 साल बाद द गॉडफादर पार्ट 2 के साथ जारी रही, जिसमें डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने फिर से रिस्क लेते हुए फिल्म के स्ट्रक्चर को प्रीक्वल और सीक्वल के रूप में पेश किया। उन्होंने पहले समझाया कि कैसे कॉर्लियोनी अमेरिका में बस गए और फिर बाद में माइकल के कंट्रोल में एम्पायर कैसे विकसित हुआ। माइकल का डीमोरलाइजेशन कहानी का टर्निंग पॉइंट था क्योंकि परिवार का सबसे अच्छा बेटा एक राक्षस में बदल गया था। फिल्म 1974 की टॉप 10 फिल्म्स में शामिल थी और इसके ब्रेकआउट स्टार रॉबर्ट डी नीरो थे, जिन्होंने यंग डॉन की भूमिका निभाने में ऑस्कर जीता था। ऑस्कर में पार्ट 2 ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने 6 ऑस्कर जीते। जब द गॉडफादर पार्ट 3 1990 में आई तो ओरिजिनल पार्ट को बहुत अधिक समय बीत चुका था और इतनी अधिक उम्मीदों के साथ इसने कई जगहों पर निराश किया। सबसे कठोर आलोचना माइकल की बेटी मैरी के रूप में सोफिया कोपोला की परफॉर्मेंस के लिए हुआ, मगर इस फिल्म के लिए सक्सेसफुल सनी का हॉट टेम्पर्ड बेटा विंसेंट मंचीनी के रूप में एंडी गार्सिया का परफॉर्मेंस रहा, जिसने उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन भी दिलाया। पार्ट 3 ने 7 ऑस्कर नॉमिनेशंस अर्जित किए, लेकिन कोई भी नहीं जीती। एक और बात जो पार्ट 3 की सही थी वो था स्टोरी का कंक्लूजन। ओपरा हाउस की सीढ़ियों पर माइकल की चीख स्पाइन चिलिंग सीन, उसके बाद अंतिम दुखद सीन में वो अकेला होता है, यह एक पावरफुल एंड साबित हुआ, लेकिन वहाँ पहुँचने की यात्रा बहुत हिट एंड मिस थी। द गॉडफादर फिल्मों को एक ट्रायलॉजी के रूप में देखना स्टोरी के शानदार रेंज को कॉन्टेक्स्ट में रखता है। युवाओं से शुरू होने वाली फिल्म फैमिली यूनिटी से टूटने तक भ्रष्टाचार से भरी इस फिल्म ने फिल्म मेकिंग गेम को अपसाइड डाउन कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।